निर्मल ने बाग सजाया कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। ओ मां निर्मल ने बाग सजाया कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। इसी बाग में दस दरवाजे अलग अलग बनवाए। नौ दरवाजे बिना गेट के लोहे के चढ़वाए। दसवें दरवाजे पे हीरे सोना चांदी लाए। इसी बाग में रानी सोवे लाखों बरस बिताए। बाग में रानी सोवे लाखों बरस बिताए। इसी बाग में महल जनाना तगड़ी पहरेदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। मां निर्मल ने बाग सजाया कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। इसी बाग के बीच रास्ता आती मात भवानी हो तो दो रस्ते चक्कर काटे लाखों अरब सैलानी हो। पत्ता तक कोई तोड़ दिखा दे किसकी कारस्तानी हो। इसी बाग का मालिक बन जा जो जंगलड़ दे मर्दानी हो। इसी बाग का मालिक बन जा जो जंगलड़ दे मर्दानी हो। जो कोई बाग उजाड़ेगा तो सजा मिले सरकारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। मां निर्मल ने बाग सजाया कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। इसी बाग में दूर बीन से सूरज चांद दिखा रखे। तीन तरह की धारा बहती ऊंचे झरने ला रखे। इसी बाग में सात रंग के कमरे सात बना रखे। इन कमरों में भरिया खजाना सब पैताले ला रखे। इन कमरों में भरिया खजाना सब पैताले ला रखे। इन कमरों की चाबी लेके सोवे से महतारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। मां निर्मल ने बाग सजाया
कर ले चौकीदारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी, रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। इसी बाग की सैर करे तो अपना घोड़ा कर ले तैयार, छतरी आला भेष बना ले ऊपर बैठ चौकड़ी मार। छे छे दुश्मन कान पकड़ के बहकावेंगे बारंबार, उल्टा फिर के नहीं देखिए इज्जत लुट जा बीच बाजार। दाए बाएं नहीं देखिए रंग रंगले सजे बाजार, दाए बाएं नहीं देखिए रंग रंगले सजे बाजार। मान रुमल की करुणा हो तो मौज करे संसारी, रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। माँ निर्मल ने बाग सजाया कर ले चौकीदारी, रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। रंग बिरंगे फूल बाग में खिल रही केसर क्यारी। साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निच्छद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परं देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान
तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमंत संत हितकारी सुमिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीना सीता ने रखी परम पद लीना बागु जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुर उर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम उर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु बज की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परो करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि कोहरामो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे। बात करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान। देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुंडा नमः। ॐ मधुकेतवहंत्री नमः। ॐ नरकांतका नमः। ॐ भंडासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिर्दीसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः।
ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुर मर्दिनी नमः। ओम सर्व बाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्व सत्य गुरु मर्दिनी नमः। ओम सर्व भय हारिणी रुद्र रूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala. Mano Buddhyahankar Chitta Ninaham Nacha Shrotra Jihve Nacha Ghana च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम चिदानंद शिवोहं शिवोहं न च प्राणसंयो न वै पञ्चवायु न वास पाणिपादं न चोपस्तपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मासर्यभा न धर्मो न चार्तो न कामो न मोक्ष चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवो पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदानयन अहं भोजनं नैव भोज्यं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप
शंका न मे जाति भेदः पिता what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Jai Shri Mataji everyone. Shri Mataji ke si manukampa me. इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को पहचाना, जिन्होंने माँ निर्मला को पहचाना, माँ आदिशक्ति को जिन्होंने अपने अंदर जागृत किया, जिनकी सुषुम्ना नाड़ी से भी बारीक नाड़ी ब्रह्म नाड़ी ये मध्य में से होती हुई मां कुंडलिनी सहस्रार का भेदन करती है। आप जैसे महान संत, उच्च कोटि के योगी, श्री गणेश के समान निर्मित आदिशक्ति के सहस्रार से उत्पन्न सहयोगियों को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज के ध्यान में हम श्री माता जी की वो अमृतवाणी सुनेंगे जहाँ माँ ने बताया है कि हमारी एक्सिस, हमारी धुरी एकदम मध्य में होनी चाहिए। लेफ्ट या राइट होते ही
हमारा विनाश आरंभ हो जाता है और ये घटित होता है सिर्फ ध्यान के माध्यम से। हम अपनी धुरी को डीप बना सकते हैं, चौड़ा बना सकते हैं। प्रतिदिन ध्यान, प्रतिदिन ध्यान, यही ईश्वर की पूजा, यही आराधना है। अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र कर ले, दोनों हाथों को खोल के अपने रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह सीधा रखें। आंतरिक होके प्रार्थना करेंगी, हे परमेश्वरी, कृपा कीजिए मेरी तीनों नाड़ियों को पूर्ण संतुलन मिलाइए। श्री माता जी, आप ही मेरी कुंडलिनी शक्ति है, मुझे कृपा करके मध्य में स्थापित कर दीजिए। ब्रह्म नाड़ी में स्थापित कर दीजिए माँ। In the whole evolutionary process, the Mother Earth has played a very big part through her axis. In the same way, in human beings, the axis is the most important. That's the main principle of life we have got, is our axis. We have to stand on our axis. Those who do not stand on their axis, stand more towards the left or towards the life, are capable of complete destruction. Because either they will be destroyed by too much of right side or too much of left side. So our axis has to be properly dealt with. Now those people who do not have a proper axis can have problems of different chakras, of different kind of quality in a person. A person who stretches his axis too much, puts back his head like this, is a person who is very right-sided and creates problem with his ego. And the one who absolutely bends down like a slavish person also is a person who goes towards his destructiveness. Now there's a big problem between these two types of people, one trying to dominate another, and when they start dominating another person, they actually destroy themselves as well as destroy the ones whom they are dominating. One has to understand that what is the best within a human being is his axis, and everybody has an axis, and one must respect the axis of every person. In Sahaj Yoga, I don't know you by your faces so much. I know you by your chakras, by your sushumna. What sort of a sushumna you have? If you have a deep sushumna, I know you as a deep person. If you have a superficial sushumna, I know you as a person with a very superficial type of a sushumna. And even if you make up something by sort of being very nice or good or talking about Sahaja Yoga or knowing too much about Sahaja Yoga and saying things which will baffle normally anyone, as if you are masters of Sahaja Yoga, I know how deep you are. So the depth on the axis is more important than anything else. Your axis has to be very deep. Now you will say that, Mother, the axis is the same as it is. So how can it be deep? So in the axis, as you see,
is made in human beings is like a 3.5 coiled paper like thing. And the inside of it is the Brahmanadi. The Brahmanadi is a very, very small little, we can call a very, very hair-like thing, where only a hair-like kundalini can pass through. But when the person is deep, this Brahmanadi is bigger, and all the rest of them, which are coiled into each other, are smaller. While the people who are not deep, they're outside, what you call the foldings, are bigger than the inside small thing. Now such people could be apparently very dynamic, may look very intelligent, may look very smart, may look to be very good looking, or whatever it may be, outwardly. But inwardly they are not deep. Inwardly if they are deep, their whole attitude is beautiful. They are very joy-giving people. They are very joy-giving. And the more, if you meet a person of another kind, he may look joyous, he may try to give you joy, but the joy won't be really that deep. It would be like a joy killing. So it is important for us to make our axis deeper. And that is where we lack the proper assiduity, the proper effort we have to put in. Now some people have automatically very deep axis, and some people have very, very, a very constricted type of the axis. This axis has to be grown. Now when you come for my puja and all that, I do expand it, I agree. But it is a temporary thing. To retain it at that point, one has to work at home, in the collective also. One has to work very much at home with meditation. But it should be done seriously. It should not be just a joke, to be frivolous, to be stupid. That's not the way. It should be done very seriously, in the meaning that it is a devoted task you have taken. It's a meditative thing. It's a prayer to God. We can call it, it's a puja to God. It's to be done with that reverence. Because reverence is the key of achievement. If you have no reverence about yourself and no reverence of others, then it cannot be done. But first you must have reverence for your own life. What am I doing with my life? Where am I wasting it? Why should I waste it? Why should I be deep? After all, there must be some purpose of my life. Am I serving my purpose? Am I doing that? All these things, if they pop into your head, then you will understand it's very easy to fight out your ego. Because normally on small, small things people fight. I've seen that in Sahaja Yoga also, people fight on things like, it's so useless, absolutely useless. To me it sounds stupid to even mention the way people fight over small things and quarrel. But a deep person, even if he doesn't speak much, even if he doesn't show off much, even if he doesn't sit in the front line, he expresses himself through his depth, because I can work out better through that. So to develop this, one must meditate. Important thing is to meditate every day, every day, every day. You may not eat your food one day, you may not sleep one day, you may not go to your office one day, you may not do anything that you are doing every day, but you must meditate every day. That's an important point to develop the central constricted part into a bigger area. Now, when that happens, that you start developing it, the first thing you will notice about yourself, that you do not care for any comfort. You're not bothered about any material thing. Whatever it is, you are above it. You just don't bother your head. Let it be. You just
don't want to put your neck into a thing where you do not belong. Just get out of it and you think that, oh God, this is too much for me, I just don't care for it. So your whole attention now moves inward. When the attention starts moving inward, then it expands more. This the inner part, which is called as the Brahmanadi, and starts expanding and expanding. Now, in small things also, say for example, if I have not mentioned somebody and mentioned somebody else, then they feel, oh, why didn't mother mention my name? It's too small a thing that it doesn't matter. As long as you have a deep axis, you are with me, I am with you, absolutely one with each other. But these outward things are, oh, she gave a nice sari to another one, she never gave us a sari, she didn't do this, didn't do that. All those things, if it comes to your head, that means absolutely is true that there is something lacking within you. Or if you try to complain, oh, I went there, I had to go by a bus and I had to stand on this thing, that shows that you are not comforted. This widening comforts you. That's the comforting thing. And that really makes you feel so comfortable in any circumstance, in any position, in any lifestyle. And you do not want to have any other comfort. And this one has to develop through meditative effort. This balance comes through our depth, and that depth has to be improved. Not through just by talking about it, by talking about Sahaja Yoga, but actually seriously doing meditation, actually seriously doing meditation. अपने चित्त को पूरी तरह से अपनी आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित होने देंगे, हर जगह से हटा के बाएं हृदय के अंदर माँ से प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा कीजिए मुझे मेरी ब्रह्म नाड़ी में स्थापित कर दीजिए, चित्त को पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे, एकदम अंदर एकदम अंदर बीचों बीच रीढ़ की हड्डी के एकदम बीचों बीच चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे, श्री गणेश को नमन करेंगे, वंदन करेंगे, उनके साथ एकाकारिता का अनुभव करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए, मेरे समस्त चक्रों को शुद्ध कीजिए, माँ से एकाकारिता में मेरी सहायता कीजिए, चित्त को उठाते जाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र भी श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को नमन करेंगे,
चित्त ब्रह्म नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, स्मॉल थिन थ्रेड। शुद्ध विद्या और शुद्ध इच्छा, कोई अशुद्ध इच्छा नहीं। पूरा चित्त स्वाधिष्ठान चक्र पे ऊपर उठाते रहेंगे, नाभि में एकदम चित्त बीचों बीच ब्रह्म नाड़ी में, नाभि चक्र पे चित्त श्री लक्ष्मी नारायण को नमन करेंगे। समाधानी बन जाएंगे इस चक्र पे, सभी समस्याओं का समाधान घटित हो जाएगा। पूरा चित्त ब्रह्म नाड़ी पे स्थित, नाभि चक्र पे, लक्ष्मी जी की कृपाओं से भरपूर ये नाभि चक्र चित्त को उठाते रहेंगे, एकदम पतला धागा ब्रह्म नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर संक्रिय गुफा मध्य हृदय में आएंगे। माँ जगदम्बा सुरक्षा कवच हमारा, जगत जननी जगदम्बा जागृत है, महसूस करेंगे हम सुरक्षित हैं, निर्भीक है, निडर है, सभी गण हमारे रक्षण में, सभी देवी देवता हमारे रक्षण में, चित्त को उठाते रहेंगे इसी ब्रह्म नाड़ी में, ऊपर बढ़ते रहेंगे विशुद्धि चक्र में, श्री राधा कृष्ण को महसूस करेंगे, दोष भाव से मुक्त है मेरा चित्त, मैं आत्मा हूँ, विशुद्ध आत्मा, निर्लिप्त हूँ साक्षी, शरीर नहीं, इसलिए निर्दोष हूं। महसूस करेंगे इस चक्र ब्रह्म नाड़ी में, चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र में, मध्य आज्ञा और बैक आज्ञा के बीचों बीच चित्र, मैंने सबको क्षमा कर दिया है, हे परमेश्वरी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने सबको क्षमा कर दिया है माँ, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, चित्त ब्रह्मरंध्र में पूरे सहस्त्रार में आत्मा का प्रकाश,
भ्रमरण से बाहर आता हूँ, आत्मा का प्रकाश, सतरंगी प्रकाश, सहस्र कमल दल, उस पे विराजे श्री माता जी। श्री माता जी, आपने ही मुझे इस संकरी ब्रह्मनाड़ी में से निकाला है। मैं आपके साथ पूर्ण योग चाहती हूँ। हे परमेश्वरी, कृपा कीजिए, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। आप ही विराटांगना है, आप ही ब्रह्मांड स्वामिनी है। ये मां आदि शक्ति शिव शक्ति है। मेरा योग श्री सदा शिव से करा दीजिए। चित्त को उठाते चले जाएंगे आकाश में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के परे शून्य सरोवर में। श्री सदाशिव विराजे, हमारी धुरी के माध्यम से हम यहाँ आए, उसी की नोक पे श्री सदाशिव सीधा कनेक्शन ब्रह्मनाड़ी के माध्यम से होने का कार्य था। श्री सदाशिव के साथ होने का कार्य था। चित्त को धीरे धीरे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। परिक्रमा करेंगे। श्री सदाशिव के भीतर प्रवेश कर रहे हैं हम फिर से। पूर्ण योग महायोग धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कर चरण प्रथम वा कायजम करम जम्बा श्रवण नयन जम्बा
मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वेतः शमस्व। जय जय करुणार्थे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणार्थे श्री महादेव शंभो। हे परमपिता, हे परमेश्वर, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपने हमें सर्वश्रेष्ठ योनि दी, आपने हमारा सृजन अपने ही सादृश किया। आपने हमें आत्मा का अनुभव कराने के लिए आदि शक्ति को अवतरित किया। हम आपको पहचानते हैं, आप हमारे अंदर प्रतिबिंबित हैं। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपने मुझे, मेरी आत्मा, मैं अपना स्वरूप दिखाया। अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अंतरिक्ष में आएंगे, सभी ग्रह पूर्ण संतुलन और अनुशासन में, सौर मंडल में गति कर रहे हैं। हमारा संतुलन ग्रहों में आ गया, पूर्ण संतुलन। धीरे धीरे आकाश में आएंगे और आकाश से बरसने देंगे परम चैतन्य पूरी सृष्टि में। पूरी सिस्टम अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, इंग्लैंड, सबके ऊपर बरसता परम चैतन्य। बरसने देंगे परम चैतन्य को, भीगने देंगे
विश्व का कण कण, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सबके साथ एकाकार, एवोल्यूशन का चरमोत्कर्ष, पूरा विश्व सहजयोगी बने, अमीबासी महामानव अपनी यात्रा पूर्ण करें, धीरे धीरे अपने चित्त को समेटते जाएंगे, अपने दायरों को अंदर लाते जाएंगे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना शहर, शहर में हमारे चित्त में रहने वाले सभी स्थान, सभी लोग, घर परिवार, सब पे परम चैतन्य बरस रहा, सबकी यात्रा पूर्ण हो, सहजयोगी बनने तक पूर्ण सहजयोगी बने, सबकी एक्सेस डीप हो, धीरे धीरे अपने चित्त को अपने सहस्त्रार पिलाएंगे श्री माता जी के श्री चरणों में, और एक बार फिर से अपनी ब्रह्म नाड़ी में माँ के श्री चरणों के कनेक्शन को फील करें, सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्धि, मध्य हृदय, नाभि, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, सब एक सीधी रेखा में, मूलाधार उठाते जाएंगे, स्वाधिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, श्री माता जी के श्री चरण समर्पित करेंगे, सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारा कार्य, हे परमेश्वर आप ही करता, आप ही कर पिता,
आप ही कर्ता, आप ही भोक्ता, हम सिर्फ आपके माध्यम, हमारा सर्वस्व आपका है। ये शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, मन मस्तिष्क, हृदय आपका है, हम प्रतिदिन आपका ध्यान धरें, आपसे योग का अनुभव करें हर पल हर क्षण। ऐसी कृपा कीजिए हे माँ आदि शक्ति। हे माँ कल्कि, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी है, मेरा चित्त सदैव आपके श्री चरणों में, हर पल हर क्षण मैं आपसे योग में हूं। नमन करेंगे श्री माता जी को, धन्यवाद करेंगे, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। मैं सदैव मध्य में रहूं, ब्रह्म नाड़ी में रहूं, आपके साथ योग में रहूं। धन्यवाद श्री माता जी, धन्यवाद श्री माता जी, धन्यवाद श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज की ध्यान को यहीं कंक्लूड करी हूँ। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी सभी को, माता जी, जय श्री माता जय जी, श्री माता जी सभी को। बहुत ही सुंदर, जय श्री माता जी, स्वयं शिव में अनंत अनंत कोटि नमन। थैंक यू माँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी। तो मुझे ऐसा लगता है एक दिन भी बीच में छोड़ो, निरंतर सातों दिन कर रहे हैं ध्यान आप। मन तो मेरा भी यही करता है। पर ठीक है, परिस्थितियां भी होती हैं, घर सब देखना, माने जो जिम्मेदारियां दी हैं वो भी निभानी है। लेकिन दीदी अति सुंदर, थैंक क्या ही कहें दीदी, शब्द ही नहीं रहते, खुशी से ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है माँ कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए आपके साथ। माता जी का मैंने ही आशा, आज हम सब ने अपनी एक्सिस में अपने आप को फील किया होगा, ब्रह्म नाड़ी। बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज का, बहुत बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू, थैंक यू, यू। थैंक जय जय श्री श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। दीदी बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान, एक्सेस डीप एक्सेस फील हुआ, और ठीक चलते गए वैसे ही एकदम जैसे से लेके गए, चाहे ऊपर गए तो वहां से नीचे आए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई आज बहुत रुकावट भी नहीं, कोई भारीपन भी नहीं, जैसे हर वक्त मंडे होता है भारीपन, आज सब कुछ भी नहीं हुआ, स्मूथली पहुंच गए एकदम, और जो सदस्य अच्छा एकाकार ही हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर ध्यान बहुत था। सुंदर। थैंक यू श्री माता जी, जय श्री माता जी, कल फिर से ध्यान। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय जय श्री श्री माता माता जी। जी।